एन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अम्बेडकर, रामाकांत। बोलेंगे जो अपना लगाएंगे, अपना मिलाते रहेंगे, कौन होगा? तो आपका इसमें होगा सी, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधा की कमी, अमीरी। ठीक है, बोले भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधा की कमी, अमीरी। तो इसमें सही इसका जवाब कौन होगा? सही जवाब होगा बेरोजगारी। आपका सही जवाब बेरोजगारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है जी, बोलिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर सम्पूर्णानंद, बोलिए। तो इसका सही जवाब होंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 छूट भी गया है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, या डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका क्या होगा? डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। 5वां क्वेश्चन चलेंगे। लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है? तो पहला, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। आंसर बताएंगे तो इसका सही जवाब होंगे ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हों, सी, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, डी, जिसमें सभी स्वस्थ हों। बोले बच्चों, इसका सही जवाब कौन होंगे? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होते हैं ए, सही जवाब होते हैं ए, जिसमें स्वतंत्र, समानता और मातृत्व का भाव हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधा की कमी को। तो इसका सही जवाब होंगे सी, जाति प्रथा। इसका सही जवाब होंगे जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तांडू के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका सही जवाब होंगे बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, अब चलेंगे 9वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, राजगोपालचारी, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है ए, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन चलेंगे कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबम, दूध पानी।
तो इसका सही जवाब बी होंगे, श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी संरचना डॉक्टर आंबेडकर की है? द कास्टस इस इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर क्षुद्रज, इसमें से सभी। तो इसका आंसर सही जवाब होंगे डी, इसमें से सभी। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 12 का ए, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषा का संपादित अंश है? द कास्टस इस इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बी जिनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हुज इज क्षुद्रज। इसका सही जवाब होंगे सी, इसका सही जवाब सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब होंगे सी, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर डी चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 15 चलते हैं, आंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, इसमें से सभी। तो इसका सही जवाब कौन होंगे बच्चों? डी, इसमें से सभी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, जाति पाती तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। जाति पाती तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, बोलो बच्चे। तो इसका आंसर कौन होंगे? इसका आंसर सी, 1936 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर होंगे सी, निबंध। इसका सही आंसर होंगे निबंध। अगला क्वेश्चन चलेंगे, अंबेडकर के भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने संपादित किया? अंबेडकर के भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ललई सी यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होंगे ए, ललई सी यादव। अगला क्वेश्चन, 19, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। तो इसका सही आंसर होंगे सी, दलित परिवार। सही, दलित परिवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे हम लोग, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई दिया?
जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवादवाद में। तो इसका सही आंसर है जातिवाद में, जातिवाद में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो इसका सही जवाब डी, भीमाबाई, डी भीमाबाई। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी को की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब सी होगा, आपका 1916 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। इसका सही जवाब होगा ए, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। चलिए आदर्श, अब चलेंगे आदर्श क्वेश्चन नंबर 24। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, आगे। तो इसका सही हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष, लोकतंत्र। तो इसका सही जवाब बी होंगे, आपका जाति प्रथा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी है? प्रत्यक्ष, प्रमुख, ही और भी, दोनों, इसमें से कोई नहीं। सी, इसमें से आपका ए और बी दोनों है, प्रत्यक्ष उपप्रत्यक्ष दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, मुख नायक क्या है? मुख नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। इसका सही जवाब होंगे बी, पत्रिका। सही जवाब है पत्रिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। इसका ए होगा दिल्ली, 1956 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर, सही आंसर होगा ए, महू बिहार। अगला क्वेश्चन चलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, पूर्णता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। इसका सही जवाब जाता है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सी, बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है या कहा जाता है?
मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, बिरजू महाराज को। भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर अंबेडकर का वाड्मय हिंदी के किसने कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में। इसका ऑप्शन होगा डी, 21 खंडों में, 21 खंडों में। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किस आवश्यक मानता है? आधुनिक मध्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। इसका सही जवाब है आपका श्रम विभाजन, श्रम विभाजन। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल, राधे श्याम सकपाल। 35 का रामजी सकपाल। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इसमें से कोई नहीं। इसका सी हो जाएगा श्रमिक विभाजन का, श्रमिक विभाजन। अगला क्वेश्चन, चलिए आज इतने ही क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। अगले क्वेश्चन अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो बनेगा। इसके लिए धन्यवाद, गुड बाय।